ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਰਾਣਾ ਫਰਾਸ ਫਰਾਸ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਮ ਖਾਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਮੁਸਫਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਜੀ ਔਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ये ढोक सरायकिस्तान में बाकायदा तौर पर SGP का एक इजलास चल रहा था और उस इजलास में इस बात का फैसला किया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार जो कौमी सियासत में आने की पेशकश की जा रही है SGP को, तो क्या वो इसमें जाना पसंद करेगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन जनाब राणा फराजनून साहब। राणा फराजनून साहब से सवाल करते हैं कि इस वक्त उन्हें जो शाह महमूद कुरैशी साहब या तहरीक इंसाफ से जो ऑफर आ रही हैं वो क्या ऑफर्स हैं और क्या उनके अब तक क्या बातचीत हुई और आज जो उनके लास्ट तसलसल के साथ जा रही हैं आज उस लास्ट में क्या फैसला किया गया है। क्या SDP इस बात का फैसला कर चुकी है कि वो कौमी सियासत में जाएगी? क्या SDP इस बात का फैसला कर चुकी है कि वो बरसूर सराय की सियासत करती रहेगी? बात करते हैं राणा फराजनून साहब से। फराजनून साहब जी, शुक्रिया मुख्तार भाई जी, आपने हमेशा हमारे वसीब की महरूमियों की आवाज़ उठाई, आपने हमेशा हमारे काज को उजागर किया और पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में आपने इस पैगाम को नशर किया। तो मैं बहसियत चेयरमैन सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी आपका शुक्रिया अदा करने के बाद ये बताऊंगा, वाजे करूंगा कि आपको जैसा कि पता है कि पिछले गुज़िश्ता ज़िमनी इलेक्शन से हमारा एक लाइज़ोन कायम हुआ PTI की क़्यादत के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब के ब्याह पर, और हमने ज़िमनी इलेक्शन में उनको सपोर्ट भी किया और उस पर कुछ कमिटमेंट्स भी हुई जिसमें ये भी था कि आइंदा तहरीक के दोस्तों को सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी की क़्यादत को स्टेक होल्डर मानते हुए MOU साइन किया जाएगा, जिसके लिए इमरान खान साहब से मीटिंग तय भी पाई लेकिन वो लॉन्ग मार्च की कॉल और मामलात की वजह से कुछ हमने पेंडिंग किया। लेकिन अभी क्योंकि क़्यादत सौंपी गई है इमरान खान के ज़ख्मी होने पर, जो उनके कंटेनर पर हमला किया जिसकी हमने हर फोरम पर मुज़म्मत की और हम समझते हैं कि ये हमला किसी सियासी जमात की क़्यादत पे हमला नहीं, मुल्क की सालमियत पे हमला है। ये मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश है जिसकी जितनी मुज़म्मत की जाए कम है। उसके बाद कुरैशी साहब को जैसे ये अब अख्तियार मिला, उनको इंचार्ज बनाया गया या कायम मकाम चेयरमैन की जिम्मेदारियाँ दी गई इमरान खान साहब की, क्योंकि वो तबीयत हालत थोड़ी सी नासाज थी, तो उन्होंने फिर हमें दावत दी है कि आप आएँ और हमारे साथ इस हक़ के कारवां में, आज़ादी के कारवां में शरीक हों, शामिल हों। तो इंशाल्लाह इसके लिए हमारे जुज़वी दोस्तों से मशावरत तो जारी है, जो हमारे किचन कैबिनेट है जिनसे रूटीन में सीटिंग होती है तो वो तो जारी है, लेकिन इसका हतमी फ़ैसला सेंट्रल कमेटी के इजलास में किया जाएगा। उसमें तमाम चीज़ों को कि इसके क्या मकासद अचीव होंगे, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान, तमाम चीज़ों को सामने रख के इंशाल्लाह हतमी लाए अमल कायम किया जाएगा और उस पर इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हमारे वसीब के और सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम लोग अहदेदारान मेंबरान लबैक करेंगे। रन साहब, तहरीक इंसाफ इख्तदार में आई और इस वादे पर इख्तदार में आई कि 100 रोज़ के अंदर सरायकिस्तान का मसला हल होगा, लेकिन 100 रोज़ क्या, कई 100 रोज़ गुजर गए और ये मसला हल नहीं हुआ जिसका बार बार जिक्र आपने भी किया। तो क्या अब आप इतमाद करेंगे कि ये सेक्रेटरीट या दूसरे छोटे मोटे कामों के अलावा सूबे का कोई काम करेंगे, सूबा बनाएंगे, ऐसा कोई उम्मीद है आप? जी, गुजारिश ये है कि इस वक्त आपने सियासत में देखना ये होता है कि अगर कोई 100% आपके मौक़िफ़ पे आपको कायल नहीं कर पाया तो करीब तरीन कौन है। अभी हम जब देखें कि दीगर जमातें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून की कश्ती में सवार है जो कि हमारे इशू की मुखालिफ जमात है और कई आइनी तरमीम पास हुई, नैब के हवाले से भी पास हुई लेकिन सूबे के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं की गई। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारे साथ पिछले हुकूमत में PTI का वादा था
शाह महमूद कुरैशी साहब से, जब वो हमारे पास हिमायत के लिए तशरीफ़ लाए इसी जगह पे जहाँ आप तशरीफ़ रखते हैं, तो यहाँ पे वो उनसे 2 घंटे हमारे डायलॉग हुए जिसमें तमाम तहफ़ुज़ात शेयर किए गए। तो ये अभी हमारा भी यही सवाल था कि 100 दिन में सूबा क्यों ना बना, तो उन्होंने उस पर तमाम डिटेल ब्रीफिंग दी कि मैंने हर पार्टी का दरवाज़ा खटकाया, उनको बाकायदा ख़त लिखे, कॉल की कि आप मुझे टाइम दें, मैं आता हूँ या आप आएँ, लेकिन किसी ने हमें लिफ्ट ना की और हमारे पास मतलूबा मेजॉरिटी नहीं थी, वो हम भी जानते हैं कि नहीं थी, और इस वजह से हम इस पे कोई भी अमली इकदाम करने से कासिर रहे। लेकिन मैंने जो हो सकता था हमारे से कि हमने सेक्रेटेरिएट का क़याम किया, हमने रूल्स ऑफ बिज़नेस को अलग कराया, NFC में इसका जो है कोटा जो बनता था वसीब का उसको बेहतर किया, अलग किया, लेकिन उसके बावजूद हम समझते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इनसे सबसे ज़्यादा अहम हमारा अलहदा हमारा एक मुकम्मल आइनी फेडरेटिंग यूनिट, जिस तरह बाकी 4 सूबे हैं बाख्तियार सूबे जिसकी वफाक में नुमाइंदगी हो, सेनेट में नुमाइंदगी हो, हमें उस तरह का सूबा चाहिए। जैसे गिलगित बल्तिस्तान एक इंतज़ामी यूनिट है, इस तरह का हमें सूबा नहीं चाहिए। तो उस मुकम्मल आइनी सूबे के लिए हमारी जदोजहद जारी रहेगी, और कुरैशी साहब ने भी हमें यही यकीन दहानी कराई है कि वो मुकम्मल आइनी ख़ुद मुख्तार सूबा आइनी तरमीम के साथ इंशाल्लाह हमें अब जैसे ही दोबारा अल्लाह ताला मौका देते हैं और मेजॉरिटी मिलती है तो आपके साथ मिलके हम उसको ज़रूर तकमील करेंगे, वो हमारा भी ख्वाब है, हमारा भी मिशन है। तो इसलिए क्योंकि अब एक जमात जो हमारी हिमायत कर रही है, हमें यकीन दहानी करा रही है, और इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो एक कह लें कि मुश्किल वक्त कह लें या एक इम्तिहान का वक्त है, इस खित्ते के लोग अगर पीछे हटते हैं तो मैं समझता हूँ ये भी कोई मुनासिब नहीं होगा कि आपने जिसकी हिमायत की फिर उसको दरमियान में हमने कभी नहीं छोड़ा। तो इंशाल्लाह मज़ीद इस पर कुछ चीज़ें सियासी तौर पे हमने देखनी हैं और उसको दोस्तों को तय कर मशावरत के साथ इंशाल्लाह बेहतर हिकमत अमली तय करेंगे। रणथब लॉन्ग मार्च इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो चला, और उसके बाद वजीराबाद पे जो है उस पर फायरिंग हुई जिसके नतीजे में वो भी ज़ख्मी हुए और साथी ज़ख्मी हुए, एक साथी शहीद हुए। इस हवाले से जो है आप क्या कहेंगे? अच्छा, इमरान खान कहते हैं हुकूमत पंजाब में उनकी, पंजाब में उनकी, मगर उसके बावजूद वो परवेज़ इलाही को FIR ना करने का इल्ज़ाम नहीं देते बल्कि कहते हैं कि इंतज़ामिया की वजह से। तो क्या ये इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत अलग अलग है, और आप इस बारे में क्या राय हैं? जी देखिए, आपके इस वक्त आपको महाजराई जो नज़र आ रही है, ज़ाहिर है वफाक एक तरफ है और पंजाब हुकूमत एक तरफ है। ये मेरे ख्याल में बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि इस तरह की सूरत हाल में पाकिस्तान में हुकूमत बनी हो और चली हो, बेहतर अंदाज में चली हो। तो अभी भी वही इश्यूज़ हैं, यहाँ के अख्तियारात को वो हिट कर रहे हैं, उनमें रुकावट बन रहे हैं, और जाहिर है जो पंजाब हुकूमत के मुनाफी कुछ इकदाम होते हैं तो ये भी कोशिश करते हैं रुकावट बनने में। तो ये तो एक यूनिवर्सल सी बात है कि पंजाब हुकूमत के बावजूद ही हमला हुआ है ना तमाम फोर्सेस की मौजूदगी में, तो इट्स मीन के कहीं ना कहीं दूसरी हुकूमतों का, दूसरी जमातों का इन्फ्लुएंस है, उनका रद्द अमल या अमल सामने आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये मामलात अब आइंदा इलेक्शन के बाद, नई हुकूमत स्टेबल होने के बाद ही बेहतर होंगे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, वो कई बार आपसे रबते कर चुके हैं, आपकी मशावरत भी होती रही, तो अब तक जो उनसे आपके मज़ाकरात हुए तो उनसे क्या बातचीत हुई, और क्या आप समझते हैं क्या आप आइंदा कौमी सियासत के धारे में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि तहरीकें जब आगे जाती हैं तो वो कौमी धारे में शामिल होती हैं, जिस तरह तहरीक इंसाफ इंसाफ के नाम पे शुरू हुई और KP के उसका मरकज़ बना और आज पूरे पाकिस्तान में उसकी रूट्स हैं। तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा तो हमारी जमात भी अपना नेशनल सतह पे अपने आप को मनवाने में कामयाब होगी, तो इंशाल्लाह उस पे डायलॉग्स और पेशरफ जारी है। हमारा क्योंकि जो इशू है गो के रीजनल है, इस वसीब का है, लेकिन उसको हल करने के लिए कौमी सियासत
की तमाम की सपोर्ट और टू थर्ड मेजॉरिटी जो है वो पूरी कौमी जमातों की नुमाइंदगी से ही टू थर्ड मेजॉरिटी इकट्ठी होगी और उनकी हिमायत से ही होगी, तो उस तमाम सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है। ये थे सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह राणा फराज नून साहब। राणा फराज नून साहब या सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी सरायकिस्तान के लिए कोई नामालूम नहीं बल्कि एक हकीकत है और जिसका सरायकिस्तान में इनकी खदमात का इतराफ़ किया जाता है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून हो या कोई और मजहबी जमात, जब भी यहाँ इलेक्शन होते हैं सरायकिस्तान के वोटों के हवाले से वो रब्ता करते हैं राणा फराज नून साहब से। और अभी भी तहरीक इंसाफ के रब्ते पूरे सरायकिस्तान में सिर्फ सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी से और इनके दरमियान मामला चल रहे हैं, बातचीत चल रही, और आने वाले वक्तों में हो सकता है कि सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी कौमी धारे में शामिल होकर मुल्क की सियासत में बड़े पैमाने पर हिस्सा ले। इसके साथ ही मुझे यानी कि मुसाफिर पाकिस्तानी को योग सरायकिस्तान से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।